Hello friends, good morning from Dirang. And now we are heading towards Tawang right now and almost सब रेडी हो चुका है. और यहाँ का व्यू के बारे अगर बता दे तो यू नो व्हाट, सुबह का जो नज़ारा जस्ट मैंने आँख खोल के यहाँ देखा तो वाओ, हम रेडी हो चुके हैं. हमारा इंजन रॉयल एनफील्ड इंजन गर्म हो चुके हैं अभी. तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से फ्रॉम दिरंग मोनेस्ट्री टू टावांग. जस्ट स्टिक विथ मी एंड वी आर फिर से शुरू करने वाले हमारा राइड आज का तवांग. सो लेट्स हमारे साथ जुड़ते रहिए. चलिए तो हम निकले हैं दिरंग से और इन बिटवीन द रोड यहाँ पे एक खूबसूरत वादियों के साथ गन यांग नंग. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. और यहाँ पे कैंप साइट है हमारे इंडियन आर्मी के बैसाखी मिलिट्री स्टेशन यहाँ पे. और यहाँ पे टी स्टॉल है और ब्रेकफास्ट का सुविधा है यहाँ पे. एक्चुअली हम लोगों ने दिरंग से जब निकला था वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने नहीं किया था. तो यहाँ पे ठंड और बढ़ने वाला है आगे जाके. पार्ली जी बहुत दिन से नहीं खाया. बहुत दिन से ना, बहुत साल का बात खा रहा है क्या? दाल वाला दाल वाला. तो यहाँ का ये स्पेशलिटी है यहाँ पे जो मिलता है दाल वाला कहकर. तो ये लेके आ रहा हूँ दाल वाला. एक सेकंड रुको, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा होगा. ओए सॉरी. दाल वाला. खाएगा. अलग से दुखी हो, मेरा चश्मा तो दिया खेला. आई एम क्या पहन के जाएगा? डायरेक्ट फट गया, डायरेक्ट तरंग तरंग हो गया. तो यहाँ का चाय का स्वाद ही कुछ अलग बात है. घर में चाय पीना और यहाँ पे चाय पीना बहुत ही डिफरेंस है. घर का चाय चाय नहीं है, यहाँ का चाय चाय है. और यहाँ पे जो दाल वाला वगैरह खाया था तो क्रेडिट गोस टू इंडियन आर्मी. और यहाँ का चाय इट इज ऑल्सो क्रेडिट गोस टू इंडियन आर्मी. फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट इज डन एंड नाउ वी आर राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेला पास. एंड बढ़िया होने वाला आज का राइड. और लेट्स हैव फन गाइस, एंजॉय कीजिए आप वीडियो को. मिलेगा ना, चलो बढ़िया.
फाइनली जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। हमेशा वीडियो में देखता रहता है सैलाबास। दिस इज माय एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस टू बी हियर। थैंक यू सो मच। A beautiful gift from here, and my very, you know, first and heart-touching gift from this place. और यहाँ मेरे सामने ही आइसक्रीम है। यहाँ पे आप खाने दिल हो तो खा सकते हैं। यहाँ पे दिस इज आइसक्रीम ऑफ तवांग। वो ओ पता है कि देखो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वहाँ पे जो देख रहे हैं वो पूरा लेक साइड है, पानी है, पूरा जम के पूरा आइस बन गया और तारे कंक्रीट जैसा पूरा बर्फ हार्ड हो गया। नमस्कारम। सो हियर आई एम एट सैलाबास 15,000 फीट। The air pressure is very low here. It's getting difficult to breathe. The temperature is also very low. It should be around 0 degrees Celsius. You can see the ice on my background. And we are riding till Tawang, and tomorrow we'll visit Bumla Pass. I'm riding for the Safe Soil Movement. This is a global campaign started by Sadhguru Jaggi Vasudev. We'll be riding 30,000 kilometers from London to India in the next 100 days, starting from tomorrow. So he wants us to speak regarding this for the next 100 days in our circle, in our family, in our schools and colleges, universities, in our social circle, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. So for this movement, I would request everyone to register as an Earth Buddy by logging into safesoil.com. You can also miss call 800003003. Please speak regarding the Safe Soil campaign for the next 100 days. And remaining things, Sadhguru will spread the message, and we are also spreading the message. So hoping to have a positive change. Thank you. So before leaving the place, we are packing up our stomach or sab pet puja kar rahe bhai. Aap sab anda kar rahe hai ki ande mein funda funde mein anda sunday ho ya monday सैलाबास में अंडे। कभी भी अगर सैलाबास आते हैं तो ये जंग लॉज फूडिंग एंड लॉजिंग में आप जैसे भी आइए। थैंक यू वेरी मच आंटी, और आप खाना पीना बहुत अच्छा से खिलाए, आपको याद करेगा। ये सैलाबास में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, कुछ लोग पहले भी आ चुका है लेकिन मेरा लिए फर्स्ट टाइम है। तो थैंक यू वेरी मच, खाना पीना बहुत ही अच्छा था और इतना सुंदर, मतलब ना दिल को छू दिया, इतना अच्छा सर्विस आपका था। फर्स्ट फर्स्ट में आप हम दोनों, हम लोग को गाली तो दिया है लेकिन माँ का बराबर है, माँ जो गाली देता है हम लोग को हजम हो जाता है।
इतना प्यार है बिल का, ये एग्रीगेट बिल बना रहा हूं। उसके बाद हम लोग अगर दोबारा फ्यूचर में अगर आता है तो आपको 300 प्लस 300 प्लस 500 1100 जसवंत सिंह जमा 72 आवर्स को एक लाख 40 रुपए रखा था, वो हमें है जसवंत, ठीक है, वहां रोक के रखा था। तो वो अकेला वहाँ में सेला जो उसको हेल्प किया था वो गोली वोली सप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में जब जसवंत सिंह को गोली मार दिया तो सेला जो वहाँ से भाग के यहाँ से कूद के मारा, तभी हाथ हाथ में नहीं आएगा, समझ गया, यहाँ से कूद के मारा। उसके बाद जिले नाम से सेला पास हो गया। मस्ती के सैलाब पास में हम लोगों ने 2 आवर्स ले लिया यहाँ का मजा लेते हुए। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, हमारे साथ बनते रहे आगे तक। तो वेल फ्रेंड, हम तवांग पहुंचने वाले हैं, बट उससे पहले नोरांग फॉल बोल के एक जगह है जहाँ पे कोयला फिल्म का शूटिंग हुआ था, एक वाटरफॉल है उसी के नज़दीक पे यहाँ पे टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके हुए हैं। सो हियर वी आर टेकिंग बिस्किट्स एंड टी, तो रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है रात के समय, तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी हमें मेन तवांग तक पहुँचना बाकी है। सो राइट नाउ टी ब्रेक आफ्टर वेरी लॉन्ग राइड, तो उसके बाद आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोगों ने शायद माधुरी वाटरफॉल वगैरह कुछ माधुरी वगैरह आप तो सुना होगा, शूटिंग हुआ था तो वही प्लेस है। फाइनली मुझे मौका मिल गया कि ये साइट विजिट करूँ बोल के जो वाटरफॉल को, लेकिन अभी हम थोड़ा पहले आपको बताया था तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ। और आई थिंक ये कितना फीट होता है वो तो मालूम नहीं, अप्रोक्सीमेटली शायद 100। आई एम सो मच एक्साइटेड कि वहाँ सामने जाके कैसा लगेगा फीलिंग, जो सामने जाके देखते हैं। और मैं बता दूँ कि ये जगह को लेकर अगर कहा जाए तो इट इज़ हॉट स्पॉट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर अगर कहा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉट स्पॉट माना जाता है, और ये जगह को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ को जीना है तो खुल के जियो, जीना है तो इस तरह से जियो, एक ही जिंदगी है, एक ही डेथ है।
तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है और शायद विजिट कर लिया और यहाँ का जो ठंडा का जो एहसास है भरपूर मज़ा ले लिया। सो आप लोग भी आइए एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम। वो अभी चढ़ाई करना पड़ेगा वापस अपना कैंप साइट। भैया ये सीढ़ी में चढ़ाई कर करके पक गया भैया, ओह पूरा हवा निकल गया भाई। बाइक चलाने से तो थकान नहीं होता लेकिन पैदल चलने में पूरा हवा निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट वी आर रिच नाउ एंड यू नो व्हाट, तो वेलकमिंग नेचर यहाँ के लोग बहुत ही वंडरफुल और ये चीज़ हमेशा याद रहेगा। बहुत टेस्टी है, जनरली मैं ये प्रमोट नहीं करता लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिशनल यहाँ का लोकल है मेरे को टेस्ट करना पड़ता है। वाओ नाइस यार, कहना क्या चाहते हो? कहना ही चाहती हूँ कि ये स्पेशल वाइन है तावांग का। देखिए आप देख सकती हो कितनी सुंदर से डेकोरेट करके दिया जाता है। स्पेशली वेलकम किया है हमने राइडर से सबको। ओके थैंक यू, बस जाएगा। चलो मार के देखो। 1 2 3 वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। Thank you so much. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Ready? 1 2 3 go! और एक बार। ओके ठीक है, चुप्पी। Finally we reached to our destination and it is very grateful ki we reached safely here to Tawang. देखिए ये वेलकम पैक तावांग का स्पेशल वेलकम पैक। सकाय रे बोलेगा, सकाय सकाय। सो फ्रेंड फाइनली वी रीच एट तावांग नाउ एंड यू नो व्हाट, द पीपल ऑफ दिस प्लेस ग्रीटेड अस सो वेल। थोड़ा फोटो सेशन भी चल रहा है। Well,
मेरा नंबर बहुत लंबा है, वहाँ देख सकते हैं लाइन जो इतना लंबा है, वहाँ तक लंबा है, देख सकता है लाइन बहुत लंबा है। मेरा नंबर कब आएगा, मेरा आएगा आपका नंबर कब आएगा, पहले शुरू कराए थे बहुत लंबा लाइन है भाई। फ्रेंड्स आफ्टर खाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक रूम में आ चुके हैं और अभी रेस्ट करने का टाइम है। दिन भर सुबह से लेके शाम तक का जो जर्नी था इट वॉज ऑसम बट वेरी टायर्ड। सो वी आर द राइडिंग क्लब ऑफ अरुणाचल बुलेट क्लब एंड हम लोगों ने एस्कॉर्टिंग किया अरुणाचल आइडल टॉप फाइव फाइनलिस्ट जो कि ग्रैंड फिनाले होने वाला है 26 को एट तवांग। सो थैंक्स टू अरुणाचल आइडल टीम जिन्होंने हमारा अरुणाचल बुलेट क्लब को इनिशिएट लिया और हमें इतना काबिल समझा कि ये तवांग राइड को लेके एस्कॉर्ट जो भी हो बहुत ही मतलब सक्सेसफुली वी रीच सेफली एक्चुअली बोला जाए तो थैंक यू वेरी मच टू अरुणाचल आइडल टीम। अगर तवांग आएंगे तो आप सेला पास में आप बर्फ़ भी छूने मिलेंगे, बर्फ़ भी देखने मिलेंगे और सेल्फी वगैरह वो बहुत बढ़िया, मैंने आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। आप भी आइए तवांग।